बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल। अपने चैनल में वेलकम और शामदीद कहता हूँ दोस्तों। एक और गुड न्यूज़ आप साथ शेयर करें। जहाँ दोस्तों, पोलैंड ने भी वन परमिट का ऐलान हो गया है और कोरिया के बाद अब पोलैंड हुकूमती सतह पर भी दे देगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या ये ऑनलाइन प्रोसीजर है? ऑनलाइन डेट जो 20 अक्टूबर है 2022 की। वीडियो को अगर ए टू जेड देख लेंगे तो मुकम्मल इंशाल्लाह आपको इसमें हम बता देंगे कि क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपको कोरिया जाना हो तो उसके लिए आपको लैंग्वेज सीखना ज़रूरी होती है और लैंग्वेज का टेस्ट जो है पास करना ज़रूरी होती है। उसके बाद कुरानदाजी होती है, कुरानदाजी में अगर आपका नाम आ जाता है, आप अगर एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर 6 माह में आप जो है सिलेक्ट होकर कोरिया पहुँच जाते हैं, जिसमें मिनिमम आपका खर्चा जो है लैंग्वेज सीखने से लेकर तमाम कोरिया पहुँचने से 1.5-1,70,000 तक आ जाता है। इसी तरह पोलैंड का वर्क वीज़ा भी दोस्तों पोलैंड गवर्नमेंट के साथ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में हालिया सैलाब की वजह से काफ़ी बेरोज़गारी हुई है, तो इसलिए यूरोपीय यूनियन ने ये सोचा कि क्यों ना हमें कुछ हेल्प की जाए। तो इस बिना पर आप वो हेल्प करने जा रहे हैं। अगर आप वैसे पोलैंड या यूरोप जाते हैं तो जो लोग इलीगल काम करते हैं डन बेस पे, और 20-25 लाख फिर ले लेते हैं, और फिर आप वहाँ के डर के मारे जो जाते हैं तो वो एक गंभीर प्रोसीजर होता है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। तो फिलहाल गुड न्यूज़ है कि 22 अक्टूबर जो लास्ट डेट भी बताई जा रही है अप्लाई की, लेकिन ये अभी एक डेमो उन्होंने शेयर किया है, ठीक है। आप बेशक इसे गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं। अथेंटिक न्यूज़ है कि पोलैंड का वर्क परमिट और ये बिल्कुल ही गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लीकेशन इसकी सबमिट होगी। और हाँ, इसमें आपको ये है कि लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी उससे आसान है, पॉलिश लैंग्वेज है, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश ज़्यादा यहाँ पर बोली जाती है, तो थोड़ा मतलब ये है कि यह आसान हो गया आपको। तो इंशाल्लाह इस बारे में जैसे ही नई अपडेट आएगी ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपना कंसेप्ट बनाएं, अपने आप को रेडी रखें, इंशाल्लाह जल्द ही इसके लिए अनाउंसमेंट होगी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना अपने प्यार बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।